नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं इक्विटी के बारे में। इक्विटी क्या होता है? ये शेयर मार्केट का एक छोटा सा पार्ट होता है, जो कि कोई भी कंपनी उसको इक्विटी मतलब इक्वल भाग में बांटती है। अपने कंपनी को इक्वल भाग में बांट करके ये दिखाना चाहती है कि, और छोटे छोटे जो इक्विटी होते हैं वो जब सेल करती है, जब ट्रेडिंग होता है, जिसके पास वो करंट इक्विटी होता है उस समय वो इक्विटी का एक छोटे से भाग का मालिक होता है, ऑनरशिप होता है। तो इक्विटी में आने के लिए लोग सोचते हैं कि कौन कौन सा वो तरीका है और किस तरह से क्यों आते हैं। जब हम जानते हैं कि हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में जाते हैं या रियल एस्टेट में जाते हैं या फिर हम गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें उसके लिए कुछ लॉकिंग पीरियड होता है। लॉकिंग पीरियड मतलब 6 महीना, 8 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल, उसके बाद हमें कुछ वहां से रिटर्न मिलता है। लेकिन इक्विटी में क्या है, ये शेयर में क्या है, स्टॉक्स में क्या है कि आप तुरंत ही आपको यहाँ पर रिटर्न्स मिल सकता है और हायर रिटर्न्स मिलता है। इसीलिए लोगों का आकर्षण है, लोगों का इसीलिए शेयर मार्केट में आने का उनका आकर्षक होते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हायर रिटर्न के लिए, लिक्विडिटी के लिए और डिविडेंड के लिए ये कंपनियां प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो जब हमारा टारगेट फिक्स होना चाहिए, जब हम मार्केट में आते हैं रिटर्न के लिए, सेविंग के लिए, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारा स्टॉप लॉस कितना है, कितना हम लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक रिस्क के ऊपर एक वीडियो बनाया है, जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेंगे। और सेम टाइम में, और आपका गोल कितना होना चाहिए, आपका टारगेट कितना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर मार्केट आज 100 रुपए पे है, 105 रुपए, 110 रुपए पे गया, तो आप अपना स्टॉलिंग कर सकते हैं, उसको मूव कर सकते हैं, जब आपका मिल जाए तो आप निकल आइए। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम आपसे बात करना चाहते हैं, हम आपसे शेयर करना चाहते हैं, जब इक्विटी मार्केट या शेयर मार्केट में आते हैं तो लोगों का इंटेंशन होता है अर्निंग, लोगों का इंटेंशन होता है सेविंग, लोगों का इंटेंशन होता है इन्वेस्टमेंट। तो अगर हम किसी शेयर मार्केट में किसी भी स्टॉक्स को खरीदते हैं, तो उसके पीछे 3 कारण बहुत क्लियर होते हैं, जब हमें इनमें से कौन सा देना है, या लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर शॉर्ट टर्म के लिए, या फिर ट्रेडिंग के लिए आते हैं। जब हम इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं, जब हम कोई भी मार्केट में जब एंट्री नए लोगों की होती है, उस समय ब्लू चिप कंपनी के साथ ही शुरुआत करना चाहिए। उसके क्या क्या फायदे हैं, कंपनी ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड है और उनका ग्रोथ पाथ लिमिट नहीं है, फिनेंशियल उनका स्ट्रांग है, वो जैसा चाहे वो अपने आप को मूव करते, स्लोली मूव करते हैं, लेकिन एक रेगुलर इंटरवल पे उनका मूव करते रहते हैं। लेकिन जो ग्रोथ वाली कंपनी होती है, ग्रोथ वाली कंपनी हर एक साल 15-20% स्मॉल से वो बिग की तरफ मूव करती है। और वैल्यू, जो अंडर वैल्यू कंपनी होती है, जो वैल्यू इन्वेस्टमेंट जो होती है, वो होती है जो छोटे से आज के डेट में जो कंपनी है वो किस तरह से मूव करे अगले नेक्स्ट लेवल पे, वो इन्वेस्टमेंट। जिस तरह सपोज किसी पेन का दाम है 100 रुपीज, किसी कारण से वो 10 रुपीज में मिल रहा है, तो वो बहुत ज्यादा अंडर वैल्यू हो गए। लेकिन सेम टाइम में जब हम देखेंगे कि हमें जब बहुत ज्यादा अंडर वैल्यू होगी, तो हम उसको खरीद करके थोड़े टाइम के लिए रख लेंगे, और रखने के साथ में हम वेट करेंगे जब उसका एक्चुअल प्राइस आ जाए, एक्चुअल दाम आ जाए, तब हम बेचना चाहेंगे। सेम टाइम में इसी तरह से, जिस तरह से छोटे नदी होती है वो इन्वेस्टमेंट और बड़े नदी में जाके मिलती है, और बड़े नदी समुद्र में जाके मिलती है, सेम जिस तरह से गांव गांवों में जो सड़कें होती हैं वो छोटे सड़क वो मेन रोड पे जाके मिलती है, हाईवे पे मिलती है, और वो हाईवे जाकर के बड़े शहर में जाकर के मिलता है। तो इस तरह से इक्विटी में भी सेम है, सबसे पहले होता है अंडर वैल्यू, फिर होता है उसमें हमारा ग्रोथ, और उसके बाद होता है ब्लू चिप कंपनी। तो मैं कुछ ब्लू चिप कंपनी का उदाहरण देना चाहता हूँ। ONGC हो गया, TCS हो गया, SBI हो गया, HDFC बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, ये भारत की टॉप 50 कंपनी में आती है और ब्लू चिप है। ब्लू चिप क्यों? क्योंकि इनका फिनेंशियल बहुत स्ट्रांग है और इनका ग्रोथ भी काफी टाइम से सस्टेनेबल है, वही ग्रोथ करते हैं एक लिमिटेड पैरामीटर के हिसाब से। सेम ग्रोथ वाली कंपनी वही होती है जो हमेशा बराबर जो नेक्स्ट लेवल को जाने के लिए तैयार होते हैं। 1995 में ये इंफोसिस, बर्जर पेंट, पीडी लाइट, श्री सीमेंट,
ये सारी स्मॉल टाइप की टिकट साइज की कंपनियां हुआ करती थी और आज के डेट में ये ब्लू चिप कंपनी है, क्योंकि इनका मैनेजमेंट सही था, इन्होंने अपने पाथ को भटके नहीं और ग्रोथ करते चले गए। सेम वैल्यू चैन हो, वैल्यू इन्वेस्टमेंट में क्या है, जिस तरह से टाइटन है, टाइटन में क्या है, जैसे कि आप लोग जानते हैं राकेश झुनझुनवाला ने बहुत कम वैल्यू पे उन्होंने खरीदा था और इससे लाखों करोड़ों रुपया उन्होंने बनाया, क्योंकि उन्होंने वो समझ गए थे ये कंपनी अंडर वैल्यू है। और इसी तरह से राकेश दवानी जी ने ये डी मार्ट लिया था, इंडिया सीमेंट लिया था, उस समय काफी अंडर वैल्यू थे, लेकिन आज कई सालों के बाद में वो काफी ग्रोथ की हुई है। लेकिन मैं चाहता हूँ जो भी नए हमारे साथ हैं, नए लर्नर हैं, वो जब भी इन्वेस्टमेंट करें, जब भी शेयर मार्केट में खरीदें, तो वो ब्लू चिप के साथ ही शुरुआत करें। आने वाले टाइम में हम इसको और एलिब्रेट करके और ब्लू चिप के बारे में और किस तरह से शेयर का सिलेक्शन हो और कहाँ हमारा मनी पार्किंग हो, मनी को कहाँ इन्वेस्ट करें, इस चीज पर हम ध्यान रखेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।